हेलो गाइस, कुछ टेक्निकल एरर्स आ गया था तो उसके वजह से मेरे को अपना वीडियो स्टॉप करना पड़ा। दूरा अकेले खेल रहा है तो हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ हम लोग इस डोमेन कर रहे थे हम लोग ये वाला, तो ये वाला एक और बार करेंगे और बस ख़त्म। उसके बाद हम लोग एक बार जाएंगे देखने की क्या चल रहा है, क्या हमारा ट्रैवलर का सैपवुड ब्लेड हो सकता है अपग्रेड, देखता हूँ। मेरे को नहीं लगता होगा क्योंकि देख लो कितना फास्ट है तुम्हारा भाई। मजा है ये बंदा तो। गाइस मैं आपको अपना विश काउंट नहीं बताया ना, हाँ मैं आपको इस चैलेंज के बाद बताता हूँ क्योंकि मैं ना आर्लेकिनो के लिए सेव कर रहा हूँ। भाई शायद से यूट्यूब में कोई ऐसा बंदा आपको दिखेगा नहीं जो बाइजू को सब डीपीएस की तरह यूज करता है। ये नीलो तो मेरी मेन डीपीएस है। अब देखना कमाल, लाज होता है। चलो मैं 1 मिनट 40 सेकेंड यूज कंडेंस्ड रेसेंस क्या मिलेगा। चलो भाई अच्छा खासा मिल चुका, हम लोग अब डोमेन को लीव करते हैं। गाइस आपको गेंशिन इम्पैक्ट में कैसा कंटेंट चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर मैं उसके हिसाब से वीडियोस बढ़ाऊंगा क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो एक ग्रोइंग फेज में है, ग्रोइंग फेज में नहीं बहुत अंडर डेवलप्ड फेज में है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत होगी। मेरे को अपने चैनल को मोनिटाइज भी कराना है भाई, बड़े बड़े सपने। कल ही मेरा चैनल तो बना है वैसे भी। अरे यार भूल क्यों जाता है कि ये इधर है। वैसे मेरे को बनाना क्या था यार, मुझे उस कैसे दिखता है वैसे तो वो याद है। अरे यार मेरे को चाहिए क्योस मॉड्यूल। चलो स्टार्टर एक्सचेंज कर लेता हूँ। डायरेक्ट हो रहा है बहुत कटे हुए, लेकिन मेरे को खर्च करना नहीं था। आप तो चाहिए ये भी चाहिए, चलो भाई चलते हैं इन ड्रेक्स को मारने। इसी के साथ मेरा जो है, अरे मैंने देखा नहीं, देखना पड़ेगा मुझे एक बार क्या हो गया। हाँ
भाई देख रहे हो मैं भाई का डैमेज लोग आते कि मैं ये 90 लेवल का है और ये 70। मुझे पता है मेरे को अपने प्लेयर्स को ज़्यादा डेवलप करना होगा। मार भाई मार इसे। दो क्योस मॉड्यूल मिला मुझे। अरे दो क्योस मॉड्यूल्स। अच्छा ठीक है मेरे को 12 चाहिए और मेरे को ये देखना था। स्टारडस एक्सचेंज के बाद भी मेरे पास 4 ही है। कितने चाहिए मेरे को? और 8 चाहिए और ये दो। अरे भाई लॉक करके नहीं रखा था मैंने। मैं भी ना घटाई हूँ आज का। भाई ये वीडियो तब तक एंड नहीं होने वाली तब तक मैं ट्रैवलर के वेपन को फेस कितना फ्रेस 5 में ना पहुंचा दूं क्योंकि उसके बाद मेरे को ये वाला मिल ये भी मिलेगा। ये 153 मुझे गाइस मेरे को चाहिए। अरे आपको मैंने अपना डिस्काउंट नहीं दिखाया। मेरे पास 73 इंटरटाइंड फेट्स है जो मैं आइलकीनो और काजुहा के लिए सेव कर रहा हूँ। अरे हिस्ट्री और ये गाइस कम्प्लीटली F2P है ठीक है। काजुहा और आलेकिनो मतलब कि डबल 5 था। और मैं मेरा पेटी देख लीजिए आप 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और ये 90। तो मैं एग्जैक्टली हाँ यार बर्सर्कर का बेफालतू की परेशानियां। गाइस वरना इस वीडियो में वरना 10 या चलो 20 व्यूज का लाइक का टारगेट रखते हैं और 5 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। हाँ 5 लाइक्स का टारगेट रखते हैं गाइस ना। 5 लाइक्स आ गए तो फिर स्टोरी टाइम वीडियो आएगा। लेकिन पहले ये ड्रीम रेडर का है। अरे भाई अलग ही स्कैम है। अब ऊपर जाओ। मैं नहीं ऊपर जाने वाला। अरे मेरे पास ये तो है मैं इधर भी पहुंच के क्या करूंगा। यार ऊपर जाने की व्यवस्थाएं करते हुए गाइस मैं आपको बोल लूं मेरा अकाउंट कम्प्लीटली F2P है। कम्प्लीटली मतलब कि इस अकाउंट में एक पैसा भी खर्च नहीं किया।
एक सेंट, $1, ₹1, जितना भी आप बोल दो, ये पूरा अकाउंट फ्री है। ये एकदम मेहनत से बनाया गया अकाउंट है। पता नहीं मैं इससे अपने हार्डवर्क को दिखा रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ, ये दिखा रहा हूँ जो समझना चाहिए। भाई मुझे क्योस वोल्ट नहीं चाहिए था। मैं तो ज्यादा ही फास्ट हूँ। ये क्या है? ये मैं सिंबल की तरफ जा रहा हूँ, ये जो भी दिख रहा है क्या है? वो चीज़ है, ये है क्या? तो हरा कर ही पता लगेगा।
मम्मी। Knows where these things have been. What's up, guys? Welcome to Darklight Gaming Channel YouTube. और आज हम लोग खेलने जा रहे हैं Genshin Impact. और आप सोच रहे होंगे कि ये इतने सारे 5-star 90 लेवल के क्या कर रहे हैं. तो ये एक्चुअली मेरा अमेरिका सर्वर वाला अकाउंट है और जिस मैं पहले Genshin Impact खेला करता था. तो मेरे पास बहुत सारे कैरेक्टर है एक्चुअली, लेकिन मैं स्टोरी टाइम के लिए मेरा दूसरा सीरीज है. आप लोग शायद से चौंक रहे होंगे. मेरे पास नाव्या भी है और नोएल, शेंगलिंग, दया, जीन और डीलूक. और मैं बोल लू जी, डीलूक और डेया को मैंने 50-50 में नहीं आ रहा है, वो मैंने पुल किया था स्टैंडर्ड बैनर पर और डेया के बैनर पर. तो अब इस एपिसोड में, मतलब कि इस वीडियो में, अब मैं इसे एपिसोड नहीं कहूँगा, वीडियो कहूँगा एक्चुअली. तो पहले हम लोग अपना इवेंट करते हैं जो है द ग्रेट फेस. देखते हैं कि कौन से नए कैरेक्टर्स को हमें आज खेलने को मिलता है. तो इसके लिए हमें, हाँ, मैं एकदम, मैंने पूरा का पूरा फाउंटेन तक जा रखा हूँ. मिस क्लिक. और हाँ, मैं एबिस का लेवल उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरे पास उतने अच्छे कैरेक्टर्स नहीं है और मेरा अच्छा बिल्ड भी नहीं है उतना. और गाइस, इस एपिसोड में हम लोग पहले ही इवेंट करेंगे, फिर हम लोग एक्सप्लोरेशन करेंगे. और ये लगभग लगभग 1 घंटे या 45 मिनट्स की वीडियो बनाऊंगा मैं. सबसे पहले हम लोग जाते हैं ये इवेंट कंप्लीट करने के लिए. मेरे पास ट्रेवल कंपास भी है लिए और मॉन्स्टैट का, लेकिन मैं लिए और मॉन्स्टैट का एक्सप्लोरेशन करूँगा गाइस. सुमेरू, कंटेन का भी कर सकता हूँ बीच बीच में. तो ओ, डबल एनिमो. तो गाइस, वरना कुछ लोगों को नहीं पता हो तो फिर ये इवेंट में एक्चुअली हमको फोटोज़ खींचनी है हमें हमारे बैटल करते वक्त. और हमें एलिमेंटल्स के लिए नॉर्मल, पहले हम लोग पहले बोलने दो. हाँ, तो हम लोगों को फ़ोटोज़ खींचनी है और फ़ोटोज़ खींचते खींचते हमें 3 फ़ोटोज़ खींचनी है स्पेशल. और उसके साथ हमें 1000 से ऊपर स्कोर भी करना है. और क्या था, हाँ, हमें 100 से ऊपर 1000 पॉइंट स्कोर करने हैं. तो इस स्टेज का प्रॉपर्टीज ये है, व्हेन यू हैव इन फेज फोर्स यूज नॉर्मल अटैक प्लांटिंग अटैक ऑन द स्केल देन स्टॉप ऑल एक्शन इमीडिएट. तो गाइस, इसमें हमें जब हम लोग फेस फोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हम लोग नॉर्मल अटैक प्लंजिंग अटैक या एलिमेंटल स्किल करेंगे, तो हमें उसके बाद तुरंत रुक जाना है. फिर हमें जो है सस्पेंस पार्टिकल मिलेगा जिसका हमें उसे कवर करते हुए फ़ोटो खींचना है. तो उसके बाद का पैराग्राफ पढ़ता हूँ. तो गाइस, ये फोटो खींचते ही हमें
एक शॉक वेव होगा जो बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाएगा हमारे ओपोनेंट्स को, और हमारे जो HP है वो भी बढ़ा देगा, और हमें 75% एनिमो डैमेज बोनस भी मिल रहा है। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और गाइस तब तक सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। और ये बोल लेता है मिनी सिंह प्रोजेक्ट तो गाइस इसमें हमें बताया गया है कि जो मिनेसिंग प्रोजेक्टाइल्स है उसे वरना हम लोग टच करेंगे तो फिर हमें डैमेज पहुंचेगा, लेकिन हम लोगों ना एनर्जाइजिंग प्रोजेक्टाइल्स को गेन करेंगे तो फिर हम लोगों को फेस फोर्स मिलने वाला है। अच्छा ठीक है गाइस, ये वही सेम है जो स्टार्टिंग में था। अच्छा मुझे नहीं पता। तो गाइस हमें यही करना है, हमें ऐसे सस्पेंस पार्टिकल है पर्पल कलर का, इसे हमारे कैरेक्टर के जगते हुए ये बटन दबाना और एक शॉक वेव। अरे इसे लगा देता हूँ। मुझे ये सस्पेंस पार्टिकल्स भी कलेक्ट करना है, भूल ना जाऊंगा। लास्ट सस्पेंस है पार्टिकल, अब मैं फुल ऑन खेल सकता हूँ। कितना स्कोर? ओह वाओ गाइस हमारा 1490 स्कोर हो चुका है, जो ये बहुत अच्छा स्कोर है, और हमें 60p मोजेम्स और भी अलग अलग आइटम्स मिल चुकी है। ये दोनों मैं कर नहीं पाया था अच्छे से, ना आप बोलो तो मैं ये तीनों कर सकता हूँ, लेकिन इससे कोई ज़्यादा अच्छा हमें मिल नहीं जाएगा रिवॉर्ड, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस अब हम लोग अपने टीम डेवलपमेंट में काम करेंगे, तो आपको पता ही होगा कि 4.5 के वर्जन में हम लोग का एक ट्रैवलिंग गाइड करके एक आया था फीचर, जिसमें हम लोग अपने टीम के स्टैट्स देख सकते हैं और उसका डेवलपमेंट कैसे करें वो हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग पहले ये पाइमॉन वाले बटन में जाके ये ट्रेनिंग गाइड होगा। तो गाइस अभी मेरे डार्क लाइट मतलब कि मेरा नाम और मतलब कि ट्रैवलर टेक्निकली डेंड्रो ट्रैवलर शिंचू का अभी थोड़ा सा वीक है, हमें इसे कैसे ना हम लोग इनहेंस कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। हमें वेपन्स में डेवलपमेंट करना, आर्टिफैक्ट्स भी बैठाना होगा,
और कैरेक्टर टैलेंट्स भी करना। और ट्रैवलर का हम लोगों को कैरेक्टर तो अच्छे से हो गया, वेपन। तो गाइस आज हम लोग ये वाला वेपन का यही करते हैं। मेरे को पता नहीं है कि लेकिन मैं कंडेंसेशन बना के आ जाता हूँ। गाइस कंडेंसेशन का ये फ़ायदा होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमको मतलब कि डबल अच्छे वैल्यू वाले ज़्यादा मिलते हैं ये करने से। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ गाइज, मैं नया नया हूँ तो भाई माफ़ करना मेरे को। अरे मैंने बना रखा है क्या? हाँ मैंने बना रखा है। कितना है ये भी नहीं दिखाता, कितना है मेरे पास? 3 है। अच्छा तो हमारी मैक्स लिमिट 5 हो चुकी है, हमें डोमेन में जलना चाहिए। हम लोग ये डोमेन जल गए इस अपना ट्रैवलर के। हम लोग अपने ट्रैवलर के वेपन का लेवल बढ़ाएंगे। मेरे को थोड़ा जुकाम है गाइस, इसलिए मैं ये मेरा थोड़ा सा दिक्कत है, आपको ऐसे आवाज आते रहेगा। और गाइस मैं अपनी पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बातें करता रहूँ फाइट के बीच में, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को उतनी ज़्यादा हैबिट नहीं है, लेकिन मैं अपने फुल ट्राई करूँगा। तो गाइस हर डोमेन का एक बफ होता है, तो इस डोमेन का बफ यह है कि व्हेन इफेक्ट। तो गाइस डोमेन का बफ यह है कि वरना हम लोग क्विकेन रिएक्शन करेंगे तो फिर एनिमी का और एलिमेंटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एलिमेंटल रेजिस्टेंस कम हो जाने से गाइस क्या होगा कि हम लोगों का डैमेज ज़्यादा पहुँचेगा एलिमेंटल स्किल का। मेरा हैंडबुक क्या दिखा रहा है वो, ये मैं बाद में कलेक्ट करूँगा, ये कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। गाइज मैं कमीशन्स करता नहीं हूँ, मैं सीधा का सीधा जैसे क्लेम करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कौन सा ऑपरेंट सा आ रहा है। अरे ये फुल्ली एकदम ब्लास्ट। गाइस गेंशिन इंपैक्ट एक बहुत अच्छा गेम है, आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये उसके बदले जो आपको फीचर्स मिलती है वो भी बहुत अच्छा होता है। और गाइस इसमें ये भी नहीं है कि आपको रेगुलरली खेलने की ज़रूरत है अंटिल आपने बैटल पास खरीदा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स पुलिंग करना चाहते हैं तो फिर उसके बात अलग है। मैंने गलती कर दी, मेरे को अपना बस्ट यूज़ कर लेना चाहिए। ये 4 ही है ना? हाँ बहुत हो गया। ये मेरे एलिमेंटल बस्ट है, ये समझ लीजिए कैरेक्टर के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ये होता है, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर के एलिमेंटल स्किल भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनको बड़े बड़े फोकस होने चाहिए। ये देख रहे हो डैमेज, ये बच गया लेकिन ये उड़ भी गया है। गाइस एक F2P हूँ वैसे तो मेरे पास उतना ज़्यादा मैं कैक्टस नहीं है,
तो गाइस अब मैं ये कंडेंसेशन यूज़ करूँगा और अब आप देखेंगे मेरे को बहुत अच्छे खासे मटेरियल मिलने वाला है। ओके मेरे को सिल्वर टैलिस्मैन, आयरन टैलिस्मैन ये सब मिला है। तो कंटिन्यू चैलेंज करते हैं और पहले देखते हैं कि हम लोग हमारे ट्रैवलर का फूड प्लेट इंक्रीज हो सकता है कि नहीं, लेवल इंक्रीज हो सकता है कि नहीं। हाँ हो सकता है इस, तो मैं जैसे वाह बहुत अच्छा। ये स्टारडस्ट एक्सचेंज से कर सकता लेकिन मेरे को स्टारडस्ट की अभी बहुत अच्छी खासी जरूरत है। क्या करूँ मैं, हेलो गाइस, कुछ टेक्निकल एरर्स आ गया था तो उसके वजह से मेरे को अपना वीडियो स्टॉप करना पड़ा। दूरा अकेले खेल है तो हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ हम लोग इस डोमेन कर रहे थे हम लोग ये वाला, तो ये वाला एक और बार करेंगे और बस ख़त्म। उसके बाद हम लोग एक बार जाएंगे देखने की क्या चल रहा है, क्या हमारा ट्रैवलर का सैपवुड ब्लेड हो सकता है अपग्रेड, देखता हूँ। मेरे को नहीं लगता होगा क्योंकि देख लो कितना फास्ट है तुम्हारा भाई। मजा है ये बंदा तो। गाइस मैं आपको अपना विश काउंट नहीं बताया ना, हाँ मैं आपको इस चैलेंज के बाद बताता हूँ क्योंकि मैं ना आर्लेकिनो के लिए सेव कर रहा हूँ। भाई शायद से यूट्यूब में कोई ऐसा बंदा आपको दिखेगा नहीं जो बाइजू को सब डीपीएस की तरह यूज करता है। ये नीलो तो मेरी मेन डीपीएस है, अब देखना कमाल लाज होता है। चलो मैं 1:40 use condensed essence, condensed essence, क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा। चलो भाई अच्छा खासा मिल चुका, हम लोग अब डोमेन को लीव करते हैं। गाइज आपको गेंशिन इम्पैक्ट में कैसा कंटेंट चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर मैं उसके हिसाब से वीडियोस बढ़ाऊंगा क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो एक ग्रोइंग फेज में है, ग्रोइंग फेज में नहीं बहुत अंडर डेवलप्ड फेज में है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत होगी। मेरे को अपने चैनल को मोनिटाइज भी कराना है भाई, बड़े बड़े सपने, कल ही मेरा चैनल तो बना है वैसे भी। अरे यार भूल क्यों जाता है कि ये इधर है। मेरे को बनाना क्या था यार, मुझे उस
कैसे दिखता है वैसे तो, और यार अरे यार चाहिए क्योस मॉड्यूल। चलो स्टार्टर स्टार्टर से एक्सचेंज कर लेता हूँ। डोडा बहुत करते हुए लेकिन मेरे को खर्च करना नहीं था। आप तो चाहिए ही, ये भी चाहिए। चलो गाइस चलते हैं इन रूम ड्रेक्स को मारने। इसी के साथ मेरा जो है, अरे मैंने देखा नहीं, देखना पड़ेगा मुझे एक बार क्या हो गया। डैमेज ये लोग बात है कि ये 90 लेवल का है और ये 70। मुझे पता है मेरे को अपने प्लेयर्स को ज़्यादा डेवलप करना होगा। मार भाई मार इसे। दो क्योस मॉड्यूल मिला मुझे। अरे दो क्योस मॉड्यूल, अच्छा ठीक है। मेरे को 12 चाहिए और मेरे को ये देखना था। स्टारडस्ट एक्सचेंज के बाद भी मेरे पास 4 ही है। मुझे कितने चाहिए, मेरे को और 8 चाहिए और ये दो। अरे भाई लॉक करके नहीं रखा था मैंने, बिना गटाई हूँ आज का। भाई ये वीडियो तब तक एंड नहीं होने वाली तब तक मैं ट्रैवलर के वेपन को फेस कितना फ्रेस 5 में ना पहुंचा दूं, क्योंकि उसके बाद मेरे को ये वाला मिल ये भी मिलेगा। ये 153 मुझे गाइस मेरे को चाहिए। अरे आपको मैंने अपना डिस्काउंट नहीं दिखाया, मेरे पास 73 इंटरटॉइंट फेट्स है जो मैं आइलेकिनो और काजुहा के लिए सेव कर रहा हूँ। अरे हिस्ट्री और ये गाइस कम्प्लीटली F2P है, ठीक है। काजुहा और आइलेकिनो मतलब कि डबल 5-star। और मैं मेरा पेटी देख लीजिए आप, 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और ये 90। तो मैं एग्जैक्टली
हाँ यार बर्सर्कर का यार बेफालतू की परेशानियां। गाइस वरना इस वीडियो में वरना 10 या चलो 20 व्यूज का लाइक कर टारगेट रखते हैं और 5 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। हाँ 5 लाइक्स का टारगेट रखते हैं गाइस वरना 5 लाइक्स आ गए तो स्टोरी टाइम वीडियो आएगा। लेकिन पहले ये ड्रीम रेडर का है। अरे भाई अलग ही स्कैम है। अब ऊपर जाओ। मैं नहीं ऊपर जाने वाला। अरे मेरे पास ये तो है। मैं इधर भी पहुंच के क्या करूंगा। यार ऊपर जाने की व्यवस्थाएं करते हुए गाइस मैं आपको बोल लूँ मेरा अकाउंट कम्प्लीटली F2P है। कम्प्लीटली मतलब कि इस अकाउंट में एक पैसा भी खर्च नहीं किया। लिटरली एक सेंट एक डॉलर एक रुपए जितना भी आप बोल लो ये पूरा अकाउंट फ्री है। ये एकदम मेहनत से बनाया गया अकाउंट है। पता नहीं मैं इससे अपने हार्डवर्क को दिखा रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ ये दिखा रहा हूँ जो समझिए। भाई मुझे क्योस बोल्ट नहीं चाहिए था। वो ज्यादा ही फास्ट हूँ। ये क्या है? ये मैं सिंबल की तरफ जा रहा हूँ जो भी दिख रहा है क्या है वो चीज है? ये है क्या तो हरा कर ही पता लगेगा। Thank you.